का दिन, आज की जीत जितनी खास है उतनी ही जायकेदार बनी आपके हाथ की ये छास है। वाह 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 यामिनी आंटी। थैंक यू थैंक यू। दखू अंकल आप एक और राउंड लीजिए। हाँ हाँ प्लीज। ये क्या जश्न मनाया जा रहा है? अरे करिया हो, बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या? आपको एक गुड न्यूज देनी है। मुझे पता है गुड न्यूज क्या है। वो दक्कू भाई ने केस जीत लिया ना फ्लूक से। ओ राजेश भाई। हाँ भाई। फ्लूक नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने केस जीता है। बट अगर आप परम पूज्य वन्ना भाभी के हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आपने और वंदु ने केस जीता इस खुशी में। चीयर्स। ठीक है लेकिन डैडी गुड न्यूज ये नहीं है। हाँ। कुछ और है। अच्छा अच्छा बोलो। गुड न्यूज ये है कि हमने साई दर्शन हाइट्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने के बारे में सोचा है, जिसके तहत यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स को अगर किसी सर्विस में या किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आए तो कंज्यूमर कोर्ट में तक्कू भाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है, चलो इस खुशी में चीयर्स। नक्कू भाई आपको भी कांग्रेचुलेशन। बस 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 क्या हुआ? विद्या लेट हो गया तुम्हें आज? अरे क्या बताऊं, क्लासेस वाले मेरे काम से इतने खुश है कि अब लगता है उन्होंने पूरे क्लासेस का भार मुझ पे ही डाल दिया है। वाह वाह, पैसे बढ़ाने के लिए भी बोलना उनको। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जल्दी इंक्रीमेंट भी देंगे। वाह वाह। अच्छा मुझे भी एक गुड न्यूज देनी है। वो जशु भाई ने कंफर्म किया है कि जिस बड़े ऑर्डर की वो बात कर रहे थे। हाँ? वो मुझे मिल गया है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ओके कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। हम भी करेंगे हेल्प वंदना बहन। हाँ हाँ यामिनी भाभी आपको तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जो हेल्प चाहिए बेझिझक बताना, ठीक है? यस। चलो अब मैं निकलती हूँ। वो कहाँ निकलती हूँ? माँ पापा यही आ रहे हैं, सबका खाना यही बना है। मनोज दादा कहाँ? वो डबल शिफ्ट कर रहा है आजकल। क्या बात है, मनोज दादा और डबल शिफ्ट। एक जमाना था जब एक शिफ्ट करता था तो भी हम जश्न मनाते थे, अब तो डबल शिफ्ट कर रहा है मतलब। पर अब ना बदल गया है, बहुत मेहनत कर रहा है। इनफैक्ट कह भी रहा था कि बॉस से बात करेगा इंक्रीमेंट के बारे में। शांति शांति शांति। तो परम पूज्य वन्ना भाभी के केस जीतने के लिए, परम पूज्य वन्ना भाभी को कैटरिंग के ऑर्डर मिलने के लिए, विद्या भाभी के क्लासेस के लिए और मनोज भाई के जॉब पे टिके रहने के लिए हिप हिप चीयर्स। व्हाट? चीयर्स। चीयर्स। क्या? टर्मिनेशन लेटर्स। निक मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उनके सीनियर हैं राजेश भाई, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। एक तरफ विद्या, बंधु, मनोज दादा, ये तीनों अब अपने अपने काम में सेटल हो गए हैं और दूसरी तरफ तीन लोगों की नौकरी मेरी वजह से दांव पे लगी है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप तीनों से कुछ कहना चाहता हूं। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसके प्रॉफिट से नहीं, उसके एम्प्लॉयज की कमिटमेंट से नापी जाती है। आज ऐसे मुश्किल दौर में जिस तरह आप तीनों ने जान लगाकर काम किया है, उसके मुकाबले में बड़े से बड़ा अमाउंट भी बहुत छोटा होगा। पर एक कंपनी को कभी कभी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और आज की ये मीटिंग भी उसी मुश्किल फैसले को अनाउंस करने के लिए बुलाई गई। बेहतर यही होगा कि आगे जो भी बात है वो आपके इमीडिएट बॉस राजेश भाई आपसे डायरेक्टली करें। राजेश भाई प्लीज। हमने सारी कोशिशें करके देख ली, अनफॉर्चुनेटली कंपनी की हालत वैसे के वैसी ही है, तो ऐसे मुश्किल हालातों में हमें तुम तीनों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं ना?
सर हमें सब पता है, कल आपने हम तीनों को कैबिन में बुलाया था यही सब बताने के लिए, लेकिन तब आप बोल नहीं पाए। मुझे तो ये भी पता है कि अभी आपके पास हम तीनों के टर्मिनेशन लेटर्स भी हैं। कल मैंने आपके टेबल पे देख लिए थे सर, तो दीजिए। मैंने आप तीनों को थैंक यू कहा और आज सॉरी कहूंगा। आप तीनों के साथ काम कब मस्ती में बदल जाता था पता ही नहीं चलता। 9 to 5 जॉब करने वाले बहुत से एम्प्लॉयज मंडे से बहुत डरते हैं। जैसे मंडे आ जाता है के दिमाग में यही ख्याल आता है कि अरे वीकेंड खत्म हो रहा है, मंडे आ रहा है, अब क्या बहाना बनाऊं ऑफिस ना जाने का। लेकिन मंडे आते ही मुझमें एक अलग उत्साह आ जाता था कि मैं कब जा रहा हूं ऑफिस और कब मिलने वाला हूं मैं अपने इन 3 idiots से। सच पूछो ना तो आदत पड़ गई है तुम तीनों के साथ काम करने की। मार्फतिया जी का आई नो चंदू दासानी का वो एक दूसरे के साथ बिल्ली चूहे जैसा लड़ना। तुम तीनों की आदत कैसे छूटेगी वो तो भगवान जाने, तुम बहुत याद आएगी। पता नहीं तुम जैसे जूनियर्स मुझे दूसरी नौकरी में मिलेंगे भी या नहीं। ये क्या है? क्या हो सकता है? राजेश भाई आप फिर से इमोशनल होकर डिसीजन लेने की गलती कर रहे हैं। इमोशनली प्रैक्टिकली ये डिसीजन ले रहा हूं, रियलिस्टिकली डिसीजन ले रहा हूं। सॉरी टू से निक, पर एक कंपनी की सफलता सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी ने लिए हुए डिसीजंस पर निर्भर करती है, और सही डिसीजन यही होगा कि इन तीनों की नौकरी के बजाय मेरी नौकरी जाए। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये करेक्ट डिसीजन है। 3 छोटी सैलरीज वर्सेस 1 बड़ी सैलरी। अरे राजेश सर, सर आप हमारे लिए सर इतनी बड़ी कुर्बानी? नहीं नहीं, कुर्बानी नहीं दे रहा हूं, ये सोच समझ के लिया हुआ फैसला है। पहले मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला था, अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से 3 और कमाने वाले हैं, तो इस वक्त मेरे घर में तुम्हारे घरों की मजबूरियों के मुकाबले कम मजबूरियां हैं। और साथ में कुछ सेविंग्स भी है, तो 3-4 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सर आप मत जाइए सर, हम तीनों जाने के लिए तैयार है सर। सर मैं तुम लोगों की जिंदगी से नहीं जा रहा मैं सिर्फ ये ऑफिस छोड़कर जा रहा हूं। मिलेंगे ना हम बाहर, है ना राजेश भाई? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? एक आखिरी बार प्लीज सोच लीजिए।
सोच लिया है ना, I'm sorry to disappoint you. काम के वक्त काम करना दोस्तों, हाँ टाइम पास कम करना. सर आपकी बहुत याद आएगी सर. सच में सर, सबसे ज्यादा मुझे आपकी याद आएगी. सच कह रहा हूँ, मेरी याद आएगी या बंधु के हाथ के खाने की याद आएगी. अच्छा बंधु को या मेरे घर में किसी को इस बात की खबर नहीं है. ओके, जो वक्त आएगा तब मैं बताऊं. ठीक है, चंदे क्या देख रहे हो? नेट यही ना, ये जज्बात और प्रैक्टिकलिटी की इस लड़ाई में जीत जज्बातों की होती है. एटलीस्ट हमारे देश में तो ऐसा ही होता है. चल राजेश वागले साइनिंग आउट. इन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है, आपसे भी वही करता हूं. जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे परिवार को मेरे जॉब छोड़ने की बात बताना चले प्लीज. मिस्टर वागले, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा शौक है, बट फिर भी आप प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए. आई नो कि कॉस्ट कटिंग जरूरी है और आपके जाने से कंपनी को फाइनेंशियली फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान होगा. मिस्टर वागले, आपके एक्सपर्टीज की वजह से हमने इतने बड़े बड़े क्राइसिस हैंडल किए, अगर आप ही जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर. मैम अगर शरीर तंदुरुस्त होता है ना तो फिर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ाया जा सकता है. उसी तरह कंपनी अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो फिर कोई भी क्राइसिस हैंडल कर सकती है. अनफॉर्चुनेटली हमारा शरीर यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली वीक है, गोइंग थ्रू क्राइसिस. सेकेंडली चंदू दासानी मार्फतिया जी को P2P मैक्स में कौन लेकर आया? मैं लेकर आया. राइट राइट. तो अगर कंपनी क्राइसिस से जा रही है, अगर कॉस्ट कटिंग करनी है और अगर हम इन तीनों को निकाल देंगे नौकरी से तो मैं खामखा लेकर आया फिर इन तीनों को. सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टीज पर प्रश्न चिन्ह आता है ना. एंड सेकेंडली मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कंपनी नहीं छोड़ रहा हूँ. आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे. जब भी किसी भी तरह की क्राइसिस होगी मैं एक्सपर्टीज प्रोवाइड करूँगा. कभी कभी मैच जीतने के लिए विकेट गंवानी पड़ती है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. ऑल द बेस्ट. ऑलराइट मैम, यू टेक केयर. माय गॉड काका, आप जैसा बोल रहे हो अगर वो सही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा. आई मीन सोसाइटी वालों को तो यही लगेगा ना कि मैंने गड़बड़ की है. तो गलती तेरी है ना. झालर,
ये सोसाइटी का एनुअल रिपोर्ट ठीक से चेक करना चाहिए था ना तुझे। ओ काका, आप तो श्योर हो ना कि ये बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है? बेटा, जिंदगी के 40 साल मैंने इन आंकड़ों के बीच खेल कूद के बिताए। मेरे अकाउंट्स में बड़े बड़े सीए कोई नुक्स नहीं निकाल पाते थे, जबकि मैं उनकी भूल पकड़ लेता था। जैसे मैंने तुम्हारी ये भूल पकड़ ली, ये देखो। यस काका, है ना? अच्छा भाई, आज भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर बहुत कुछ बता ही नहीं सकते, इसलिए एक कुशल अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप चिंता मत करो, अपने ऑडिटर से मुझे बात करा दो, मैं उन्हें बताऊंगा कि सोसाइटी के एनुअल रिपोर्ट्स के अकाउंट्स में क्या भूल है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू काका, थैंक यू। काका, क्या आप मेरा हिसाब संभाल सकते? क्या है काका, मेरा जो अकाउंटेंट है ना, वो भाग गया चलन। अभी सिर्फ अकाउंट सॉफ्टवेयर के भरोसे तो मैं नहीं रह सकता हूँ ना। हा? तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरा अकाउंट संभाल सकते हैं? नहीं, मतलब मैं बदले में आपको मैं सैलरी भी दूंगा। वो जो पुराना अकाउंटेंट था ना, वो पार्ट टाइम आता था और झालर महीने के 20,000 रुपए लेता था। अभी आप तो घर के हो हैं काका, तो आपको 25,000 रुपए दे दूंगा। हैं? प्लीज काका, संभाल लीजिए ना मेरा अकाउंट। नो 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 एंटर। अरे श्रीनिवास काका को तेरे यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पूज्य वन्ना भाभी का फूड बिजनेस अच्छा चल रहा है और उनके पुण्य प्रताप से राजेश भाई की नौकरी भी अच्छी चल रही है। ऊपर से विद्या भाभी और मनोज भाई नौकरी पर लग चुके हैं, तो काका को नौकरी की क्या जरूरत है ना काका? कोई जरूरत नहीं, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं, मेरे दोनों बेटे अच्छे कमा रहे हैं, दोनों बहुएं कमा रही हैं, अच्छा चल रहा है, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ जशु भाई, ऑर्डर टाइम से रेडी भी हो जाएगा और टाइम से पहुंच भी जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वंदना बेटा, तुम भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना, तुम्हारा लास्ट मंथ का पेमेंट है ना, वो मैंने बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। एक सेकंड में चेक करती हूँ। जशु भाई, थैंक यू सो मच, ये तो मतलब इसने इनकम में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी तक की बेस्ट इनकम है ये। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का पैसा हटा भी दूं तब भी बहुत बच रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। बेटा वंदना, ये सब तुम्हारी मेहनत और स्वाद का नतीजा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह से लोग तुम्हारे खाने को पसंद कर रहे हैं ना, तुम इससे भी कहीं कम समय में ज्यादा कमाने लगोगी। थैंक यू जशु भाई। सच कहूं, अच्छी इनकम वाली फैमिली की स्त्री जब इस बिजनेस में आती है तो हम जैसे लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं शुरुआती जोश के बाद ये थक के बैठ न जाए और ये न कह दे कि अब बस हुआ। ऐसा होता है? बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तुम अपनी ही बात ले लो, तुम्हारे हस्बैंड अच्छी सैलरी भी पाते हैं, सिक्योर जॉब में भी हैं, और तुम्हें भी कमाने की इतनी जरूरत नहीं। हाँ जशु भाई, मतलब राज की जॉब तो काफी अच्छी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट घर में यू नो हेल्प करने के लिए मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए मैं काम कर भी नहीं रही हूँ। काम मैं बेसिकली इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कर पाऊँ, प्लस इस काम में मुझे मजा भी बहुत आता है। गुड। अच्छा वंदना, हमने लास्ट मंथ में 5 से 6 पार्टीज में तुम्हारा फूड सप्लाई किया है। हाँ। और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि इतना सारा काम, इतना सारे ऑर्डर घर से मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुम्हें अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहिए, क्लाउड किचन को बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहिए। अरे तुम ऑर्डर की जरा भी चिंता ना करो, कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूँ ना। जशु भाई, आप ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और सच कहूँ तो बिजनेस स्केल को अप करना या क्लाउड किचन को एक बड़े पैमाने पे ऑपरेट करना, इसके बारे में मैं भी सोच रही हूँ। एक काम करूँ, बैंकवेट हॉल आ जाऊँ, तो फिर मैं आपसे मिलके बात कर लूंगी। श्योर, मिलते हैं। थैंक यू जशु भाई। मम्मा। हाँ मम्मा, ये देखिए। वाओ, दिस इज ग्रेट सखी। हाँ, इस ड्रेस में क्यों दिख रही है? तुमने वो शॉपिंग बैग केस में जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो की तारीफ ही तो लिखी है इन लोगों ने।
हाँ मम्मा, ये वही न्यूज पोर्टल है जिन्होंने मेरा वीडियो अपने चैनल पे वायरल कर दिया था और वो खुराना प्रेशर में आ गया था। ये पढ़ा मैंने। हाँ लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि वो लोग मुझे अपने न्यूज पोर्टल में अप्रेंटिस की जॉब ऑफर कर रहे हैं और हो सके तो आज शाम को ही मिलने के लिए बुलाया है। दिस इज सुपर। आई मीन देख, अप्रेंटिस की जॉब तुम लो ना लो, ये तुम्हारे हाथ में होने वाला है, लेकिन आई थिंक मिलने जरूर जाना चाहिए क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस वीडियो वायरल करके इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की थी तो एक थैंक्स तो बनता ही है। हाँ लेकिन मैं टेंशन में उन्हें मिलने वाली बात से नहीं हूँ, तो उस ऑफर के बारे में सोचकर कि मतलब मैं वो अप्रेंटिस की जॉब लूँ या क्या करूँ। देख सकी, जॉब करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कौन सी करनी है, ये डिसीजन तुम्हारा ही होने वाला है। हाँ अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं और डैडी हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तुमको ही लेना होगा बेटा। I'm not sure, लेकिन मैं मिलकर आती हूँ। Good, do that. Yeah. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.